हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सुपर यम्मी, क्रीमी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ और यह है व्हाइट सॉस पास्ता। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में उतना ही यम्मी। तो चलिए हम सबका फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पास्ता बहुत सारे शेप में अवेलेबल रहता है। मैंने ये पैनी पास्ता लिया है, आप अपनी चॉइस का कोई भी शेप ले लीजिए और क्वांटिटी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक पैन में जब पानी में उबाल आ जाएगा तो उसमें पास्ता ऐड कर लेंगे। सबसे पहले पास्ता को बॉईल करना होता है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि पास्ता का खुद से कोई टेस्ट नहीं रहता है, और अब थोड़ा सा ऑयल, इससे पास्ता में स्टिकीनेस नहीं आएगी। बीच बीच में पास्ता को थोड़ा इस तरह से चलाते रहेंगे, कई बार पास्ता पैन के नीचे तले में चिपक जाता है, इसलिए थोड़ा बीच बीच में चलाते रहें। पास्ता को पकने में अराउंड 8 to 10 मिनट का टाइम लगता है। मैंने गैस का फ्लेम हाई मीडियम रखा है। पास्ता जब पक जाता है तो इसका साइज ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए एक पास्ता को चेक कर लेते हैं। नाइफ से मैंने जब पास्ता को कट किया, बहुत सॉफ्टली ये कट हो गया, तो पास्ता पक गया है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया है और अब इमीडिएटली पास्ता को छान लेंगे। इसका जो गर्म पानी है इसे निकाल लेंगे और रेगुलर जो हमारा ठंडा पानी रहता है इससे पास्ता को हम वॉश कर लेंगे। इससे पास्ता की जो कैरी ओवर कुकिंग है वो स्टॉप हो जाती है। मींस अगर हम पास्ता को गर्म पानी में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो पास्ता और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और स्टिकी भी हो जाता है। पास्ता को पकाते समय हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है, क्योंकि जब हम पास्ता को सॉस के साथ पकाते हैं तब भी ये थोड़ा कुक होता है। इसलिए जैसे ही पास्ता पक जाए इमीडिएटली हम वाटर से वॉश कर लेते हैं, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा रहता है। अभी पास्ता को एक छन्नी में रख देंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। नेक्स्ट एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे, आप बटर या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, और अब ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे। मैंने जो सब्जियां ली हैं वो हैं बेबी कॉर्न, कैरेट, कॉर्न और कैप्सिकम। आप अपनी चॉइस और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सब्जियां ले लें। ऑयल जब गर्म हो जाएगा इसमें ग्रेट किया हुआ जिंजर डालेंगे और अराउंड 5 to 7 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। और अब इसमें चॉप वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा बारीक चॉप ना करें, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसे हिलाते हुए सॉटे कर लेंगे। सब्जी को बराबर चलाते रहें जिससे कि सब्जी में अच्छा क्रंचीनेस आए। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमें जो ये सब्जी की क्वांटिटी है इसके अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। आप अपनी चॉइस और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मशरूम, अनियन और पनीर भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है। अराउंड 4-5 मिनट के बाद जब सब्जियां कुक हो जाएं तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सब्जी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब व्हाइट सॉस बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा बटर ले लेंगे। व्हाइट सॉस आप बटर में ही बनाएं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बटर जब मेल्ट हो जाएगा अब ऐड करेंगे अराउंड 2 स्पून कॉर्नफ्लावर। व्हाइट सॉस बनाने के लिए आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लावर ही यूज करती हूँ। कॉर्नफ्लावर से व्हाइट सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें। और कॉर्नफ्लावर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो मैदा ही ले लें। कॉर्नफ्लावर और बटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और इसी तरह बराबर चलाते हुए हमें इसे 3 to 4 मिनट तक पकाना है, जब तक कि कॉर्नफ्लावर का कच्चा पन्ना निकल जाए। और थोड़ी ही देर में इसका इस तरह से लिक्विडी टेक्सचर आ जाता है और बहुत अच्छी क्रीमी खुशबू भी आने लगती है। देखिए अब ये कितना फ्लफी और क्रीमी बन गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है और कलर भी हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब हम मिल्क ऐड कर लेंगे। मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है और मिल्क ऐड करने के बाद हमें इसे फटाफट से हिलाना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाते हैं। अभी गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे जिससे कि दूध में उबाल आ जाए। साथ ही हमें इसी तरह से बराबर हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना आ जाएं। अब अराउंड 1/2 बोल चीज ऐड कर लेंगे जिससे कि हमारे व्हाइट सॉस पास्ता में अच्छी सी क्रीमीनेस आएगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम में चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हम मिक्स करने के लिए विस्क भी यूज कर सकते हैं, इससे अच्छा मिक्स आता है। परफेक्ट व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें बटर और कॉर्नफ्लावर की सेम क्वांटिटी लेनी होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोई लम्ब्स ना आए, इसके लिए हमें इसे एक अच्छा मिक्स देना होता है। इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्पून कॉर्नफ्लावर के साथ 1/2 लीटर मिल्क लें। बहुत जल्दी इसमें थिकनेस आने लगती है, तो हमें इसे बराबर चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। जब सॉस में कंप्लीट स्मूथनेस आ जाएगी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हमें इतना ही लेना है जितना कि इस सॉस के लिए सफिशियंट हो। साथ में ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स, ऑर्गेनो, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर।
सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी और देर के लिए पका लेंगे। सॉस में अभी काफ़ी अच्छी थिकनेस आ गई है तो इसे दो तीन और उबाल आने तक पका लेंगे। व्हाइट सॉस को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। जब इसमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी और अच्छा सा टेक्सचर आ जाए तो अब हम इसमें हमारा बॉइल्ड पास्ता ऐड कर देंगे और साथ में ही हमने जो वेजिटेबल्स को सैलो फ्राई किया था इन्हें भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बॉइल पास्ता और वेजिटेबल्स में वाइट सॉस की कोटिंग बहुत अच्छे से आ जाए और सारे हर्ब्स के फ्लेवर भी पास्ता में आ जाएंगे। अगर आपके पास्ते में बहुत ज़्यादा थिकनेस आ जाती है, बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली वार्म मिल्क ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें। बस हमें थोड़ा और देर ही इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, टूट फूट जाएगा और इसमें मैसीनेस आ जाएगी। सॉस में जब परफेक्ट थिकनेस आ जाएगी, जब हम स्पून में उंगली से निशान डालते हैं, परफेक्ट निशान बन के आता है, तो ये सॉस की परफेक्ट स्टेज है और हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम पास्ता में अपने चॉइस के हर्ब्स, रेड चिली फ्लेक्स और चीज ऐड कर लेंगे। मैंने अराउंड 5-6 स्पून ग्रेटेड चीज ऐड किया है। बहुत यम्मी परफेक्ट वाइट सॉस पास्ता बनके रेडी हो गया है और साथ में बहुत क्रीमी खुशबू भी आ रही है। अब पास्ता, चीज और सारे हर्ब्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल का हमारा वाइट सॉस पास्ता बनके रेडी हो गया है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है और सॉस की थिकनेस भी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब वाइट सॉस पास्ता को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। वाइट सॉस पास्ता को गर्मा गर्म सर्व करें। अब से जब भी वाइट सॉस पास्ता खाने का मन करे या फिर बच्चे कुछ यम्मी हेल्दी खाने की डिमांड करें, तो हम घर पे ही ये वाइट सॉस पास्ता इजीली बना सकते हैं। पास्ता घर पे अवेलेबल रहता ही है और जो भी सब्जियां अवेलेबल हों उसके साथ हम ये यम्मी वाइट सॉस पास्ता बना के सर्व कर सकते हैं। वाइट सॉस पास्ता बनाना बहुत आसान है, बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में ये बन के रेडी हो जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत हेल्दी रहता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। पास्ता की प्लेट रेडी है सर्विंग के लिए। इसे हमने मिक्स हर्ब्स और चीज़ से गार्निश कर लिया है। अभी ये बहुत टेम्पटिंग लग रही है। पास्ता की मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप मेरी ये पास्ता की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रेसिपी आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।